वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं हमारे न्यू वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गौतम की क्लास। तो आज हम बीए फाइनल ईयर इंग्लिश 5 इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ड्रामा एंड फिक्शन से यूनिट फर्स्ट के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम थ्योरी में डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसमें आपकी यूनिट फर्स्ट हो जाती है फॉर्म्स ऑफ ड्रामा एंड नॉवल। तो इसमें सबसे पहले हम एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम ड्रामा के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो जो ड्रामा होता है, ड्रामा को स्टेज पर परफॉर्म किया जा सकता है या इसे प्रस्तुत किया जाता है। ड्रामा जो होता है उसे स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है या इसे प्रस्तुत किया जा सकता है। और ड्रामा में संवाद यानी डायलॉग होते हैं। ड्रामा में कॉमेडी और ट्रेजेडी होती है, या हम कह सकते हैं इन ए ड्रामा पीपल थिंग्स इवेंट्स मस्ट बी प्रेजेंट थ्रू ए डायलॉग। यानी एक ड्रामा यानी नाटक में व्यक्ति वस्तु घटनाएं एक डायलॉग के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन ड्रामा एंड फिक्शन। नाटक और फिक्शन, फिक्शन को हम नॉवल भी कह सकते हैं, फिक्शन एक उपन्यास को भी हम कह सकते हैं। तो जो ड्रामा होता है और नॉवल होता है उसमें कुछ अंतर पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर ड्रामा को स्टेज पर प्रस्तुत किया जा सकता है जबकि फिक्शन को स्टेज पर प्रस्तुत नहीं किया जाता है। जो ड्रामा होता है उसे स्टेज पर प्रेजेंटेशन किया जा सकता है जबकि फिक्शन को नहीं किया जा सकता। फिक्शन में टेल होती है जबकि ड्रामा में डायलॉग्स होते हैं यानी संवाद होते हैं। तो आपको इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि फिक्शन जो होता है उसमें केवल टेल होती है और ड्रामा में डायलॉग होते हैं जबकि फिक्शन में डायलॉग्स नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर ट्रेजेडी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ड्रामा होता है उसमें कॉमेडी और ट्रेजेडी दोनों ही होते हैं। तो यहाँ पर हम ट्रेजेडी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ट्रेजेडी की डेफिनेशन होती है इट डील्स विद डार्क पार्ट ऑफ लाइफ। यह जीवन के डार्क पार्ट से संबंधित होती है और यह अत्यंत दुखदायी व गंभीर होती है। इट इज़ एन इवेंट और सिचुएशन दैट इज वेरी सैड एंड सीरियस। नेक्स्ट है कॉमेडी। तो कॉमेडी जो होती है वह डील करती है लाइट साइड ऑफ लाइफ, यानी कॉमेडी डील्स विद द लाइट साइड ऑफ लाइफ। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देयर आर 6 एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, यानी जो ड्रामा होता है उसके 6 तत्व होते हैं। तो हम एक एक करके सभी तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो इसका एलिमेंट्स होता है वह होता है प्लॉट, यानी प्लॉट को हम कथानक या कथावस्तु भी कह सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सोल ऑफ द प्ले, यानी प्लॉट को एक नाटक की आत्मा के रूप में भी जाना जाता है। इट इज़ कंटेंट ऑफ द स्टोरी और ड्रामा, यह स्टोरी या ड्रामा यह कहानी या नाटक का कंटेंट होती है। प्लॉट को किसी नाटक या कहानी की आत्मा भी कहते हैं, यह किसी नाटक या कहानी की कथा वस्तु होती है। इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ द इंसिडेंट्स, जो प्लॉट होती है वह घटनाओं की अरेंजमेंट यानी व्यवस्था होती है। और द प्लॉट इंक्लूड्स द इवेंट्स ऑफ द प्ले, और जो प्लॉट होती है इसमें घटनाएं, नाटक की घटनाएं सम्मिलित होती है, प्लॉट में घटनाएं सम्मिलित होती है। तो प्लॉट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम इसका नेक्स्ट एलिमेंट देख लेते हैं जो कि है थीम। यहाँ पर जो थीम की डेफिनेशन होती है वह होती है इट इज़ द मेन सब्जेक्ट ऑफ द प्ले, इट इज़ द सेंट्रल मैसेज ऑफ द स्टोरी, यानी किसी नाटक के मुख्य विषय को सार या थीम कहते हैं। इसे हिंदी में विषय या सार भी कह सकते हैं। और जो थीम होती है वह किसी कहानी या नाटक की एक सेंट्रल मैसेज होती है। तो थीम के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर कैरेक्टर्स यानी पात्र। तो कैरेक्टर की जो डेफिनेशन होती है वह होती है ए कैरेक्टर इज ए पर्सन एनिमल और सब्जेक्ट प्रेजेंटेड एज ए पर्सन इन द प्ले, यानी एक पात्र कोई पर्सन हो सकता है, एनिमल हो सकता है और कोई सब्जेक्ट हो सकता है जो कि किसी नाटक में एक व्यक्ति के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है डायलॉग यानी संवाद। द वर्ड रिटन बाय द प्लेराइट एंड स्पोकन बाय द कैरेक्टर्स इन द प्ले, एक डायलॉग जो होता है वे एक लेखक द्वारा लिखा जाता है और किसी नाटक या कहानी में किसी पात्र द्वारा वह बोला जाता है, उसे ही हम डायलॉग या संवाद कहते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर म्यूजिक और रिदम, इसे हिंदी में संगीत या लय कहा जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर रिलीफ एंड एंटरटेनमेंट, इसका प्रयोग राहत और मनोरंजन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेक्टेकल यानी तमाशा, इसे हिंदी में तमाशा भी कह सकते हैं। इट रिफर्स टू व्हाट ए फिल्म और प्ले लुक्स लाइक, यानी स्पेक्टेकल से तात्पर्य है कि कोई फिल्म या नाटक कैसा दिखता है। सो ये जितने भी एक ड्रामा के एलिमेंट्स होते हैं, इनसे आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन बनकर जरूर आते हैं। उनमें से आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट्स है जो कि एक ड्रामा का होता है, उनमें से आपको सही पर टिक करना होता है। उसमें कुछ गलत भी दिए होते हैं, तो आपको गलत भी पूछ सकता है कि कौन इसमें एक ड्रामा का एलिमेंट नहीं होता है, तो आपको ये सभी एलिमेंट्स याद रखने ज़रूरी है। और इनके आपके एग्ज़ाम में डेफिनेशन भी देखने को मिल सकती है, वहाँ पर आपको क्वेश्चन में डेफिनेशन दी जा सकती है और पूछी जा सकती है कि यह डेफिनेशन कौन से एलिमेंट्स की है, तो आपको वहाँ पर सही आंसर चुनना होता है। तो जब आप इन्हें थ्योरी के माध्यम से समझेंगे तो ही आप इस प्रकार के प्रश्नों को कर सकते हैं। तो आइए हम थोड़ा फिक्शन के बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फिक्शन, यानी फिक्शन को हम उपन्यास भी कह सकते हैं। इसे हिंदी में नोवल या उपन्यास भी कहा जाता है। जो फिक्शन होता है उसमें डायलॉग या संवाद प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। जिस प्रकार से एक ड्रामा के एलिमेंट्स होते हैं, उसी प्रकार से फिक्शन के भी एलिमेंट्स होते हैं। तो आइए हम फिक्शन के एलिमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो जो इसका फर्स्ट एलिमेंट होता है वह होता है कैरेक्टराइजेशन। तो मैंने यहाँ पर कैरेक्टराइजेशन के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं लिखा है, जो भी ड्रामा का होता है वही इसका भी होता है, सेम दोनों का ही एक है। तो आप ड्रामा का पढ़ो या फिक्शन का पढ़ो, दोनों ही सेम हैं। तो नेक्स्ट है प्लॉट, तो प्लॉट भी ड्रामा की तरह ही होता है। तो आइए हम इसके तीसरे एलिमेंट सेटिंग या प्लेस के बारे में जानेंगे। सेटिंग्स की जो डेफिनेशन होती है वह होती है सेटिंग इज वेयर एंड व्हेन ए स्टोरी और सीन टेक्स प्लेस, यानी किसी कहानी या नाटक के जो सीन होते हैं उन्हें जहाँ से शूटिंग किया जाता है, जिस जगह और जहाँ भी उनके दृश्य लिए जाते हैं, तो उन्हें सेटिंग कहा जाता है। सेटिंग को हम जगह या स्थान भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कोई भी स्थान या जगह जहाँ पर किसी नाटक या कहानी के सीन लिए जाते हैं, उनके दृश्य लिए जाते हैं, उसे ही सेटिंग कहा जाता है। या हम सेटिंग के बारे में इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि सेटिंग किसी कहानी या नाटक में वह होती है जिस स्थान या जगह पर वह कहानी कही जाती है। तो आइए हम इसका नेक्स्ट एलिमेंट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू, द वे ऑफ टेलिंग स्टोरीज। तो जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वह एक कहानी को कहने का एक तरीका होता है, यह कहानी बताने का एक तरीका होता है। इसमें एक नरेटर यानी कथा वर्णन करने वाला होता है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि पॉइंट ऑफ व्यू किसे कहा जाता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है वह होता है द वे ऑफ टेलिंग स्टोरी, यानी कहानी बताने का तरीका। तो आइए हम इसका नेक्स्ट एलिमेंट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर थीम, थीम के बारे में मैंने पहले ही आपको ड्रामे में बता दिया है, तो यह सेम ड्रामे के जैसा ही होता है। तो आइए हम इसका नेक्स्ट एलिमेंट टोन के बारे में जान लेते हैं। द वे ऑफ प्रेजेंटिंग स्टोरीज, यानी कहानियों को प्रदर्शित करने का जो तरीका होता है उसे ही उसका टोन कहा जाता है। या इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं द वे ऑफ नरेशन, यानी कि कथा यानी किसी कथा को वर्णन करने का जो तरीका होता है उसे ही टोन कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ड्रामा ऑफ आइडियाज। द टर्म ड्रामा ऑफ आइडियाज पायनियर्ड बाई जीबी शॉ। तो आपको यह टॉपिक जरूर ध्यान रखना है कि जो टर्म होती है ड्रामा ऑफ आइडियाज की, वह पायनियर की गई है जीबी शॉ द्वारा। तो यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो ड्रामा ऑफ आइडियाज की टर्म है वह जीबी शॉ द्वारा लाई गई है। तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेनरिक इब्सेन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और ग्रैनविल्ला बार्कर वर प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट ऑफ द ड्रामा ऑफ आइडियाज। यानी हेनरिक इब्सेन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और ग्रैनविल्ला बार्कर, ये तीनों ही ऐसे प्रमुख प्रतिपादक थे जिन्होंने ड्रामा ऑफ आइडियाज का प्रतिपादन किया था। ये तीनों ही ड्रामा ऑफ आइडियाज के प्रतिपादक थे। तो आपको इन तीनों के नाम ध्यान रखने हैं, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। इट इज़ ए टाइप ऑफ डिस्कशन प्ले,
विच रिवील सोशल मैनर्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी। इट इज़ ए टाइप ऑफ डिस्कशन प्ले। यह एक डिस्कशन प्ले का एक प्रकार है जिसमें सोशल मैनर्स और सोसाइटी की जो भी समस्याएं होती हैं उनके बारे में पता चलता है। द मेन पर्पज ऑफ दिस टाइप ऑफ नॉवल और इस प्रकार के उपन्यास का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है इज टीचिंग विद एंटरटेनमेंट, वह मनोरंजन के साथ शिक्षा देना होता है। जो ड्रामा ऑफ आइडियाज़ का जो मुख्य उद्देश्य होता है, जो ड्रामा ऑफ आइडियाज़ उपन्यास होता है उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वह मनोरंजन के साथ शिक्षा देना भी होता है। इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर एक एग्जांपल है आर्म्स एंड द मैन बाय जीबी शो। यह जीबी शो द्वारा लिखा गया एक ड्रामा ऑफ आइडियाज़ है, यह आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है तो आपको इसे याद रखना है। तो आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रीजनल नॉवल। रीजनल नॉवल को हिंदी में क्षेत्रीय उपन्यास या आंचलिक उपन्यास भी से कहा जाता है। इट इज़ द स्टोरी ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन। यह एक पार्टिकुलर क्षेत्र की एक कहानी होती है बेस्ड ऑन डिफरेंस एलिमेंट ऑफ सोसाइटी, जो कि समाज के विभिन्न तत्वों पर आधारित होती है। और जो ये विभिन्न सामाजिक तत्व होते हैं यहाँ पर मैंने उनके कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे यहाँ पर कल्चर यानी संस्कृति, ट्रेडिशंस, सोशल वैल्यू, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स और कस्टम्स, प्रोफेशंस और थॉट ऑफ द पीपल, ये सभी एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी होते हैं। तो आपको इन सभी को जरूर याद रखना है, आपके एग्ज़ाम में इनमें से पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर कुछ फेमस रीजनल नॉवलिस्ट हैं जो कि आपको जरूर याद रखने हैं। तो यहाँ पर पहला है थॉमस हार्डी जो कि वेसेक्स से थे, विलियम फॉल्कनर जो कि योकनप थौपा से थे, और आर के नारायण जो कि भारतीय थे और ये मालगुडी से थे। तो आपको इनके क्षेत्र भी याद रखने हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट यहाँ पर नैरेटिव टेक्निक्स यानी आख्यान प्रविधि। इट इज़ द वे ए स्टोरी इज टोल्ड। यह एक तरीका होता है जिस तरीके से किसी कहानी को कहा जाता है, यह कहानी को कहने का एक तरीका होता है। नैरेटिव टेक्निक्स इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। यह दो भागों में डिवाइड की गई है। फर्स्ट है थर्ड पर्सन नैरेटिव और सेकंड है फर्स्ट पर्सन नैरेटिव्स। आपके एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि नैरेटिव टेक्निक्स को कितने कैटेगरीज में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर कुछ मैंने फर्स्ट पर्सन नैरेटिव्स के उदाहरण दिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है आई एम जॉन हर्ट जो कि जेडी रेडक्लिफ द्वारा लिखी गई एक नैरेटिव टेक्निक्स है। सेकंड है ए फेयरवेल टू आर्म्स जो कि अर्नेस्ट हेमिंगवे द्वारा लिखी गई है। थर्ड है रॉबिन्सन क्रूसो जो कि डेनियल डिफो द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है डेविड कॉपरफील्ड जो कि चार्ल्स डिकेंस द्वारा लिखा गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नैरेटिव टेक्निक्स हैं जो कि आपको जरूर याद रखने हैं, आपके एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है पिकारेक्स नॉवल यानी चित्रात्मक उपन्यास, इसे हिंदी में कहा जाते हैं। द टर्म पिकारेस्क हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए स्पेनिश वर्ड पिकारो, यानी जो पिकारेक्स शब्द है वह स्पेनिश वर्ड पिकारो से लिया गया है। और जो पिकारो शब्द है इसका अर्थ होता है रो और विलेन यानी दुष्ट या खलनायक, इसका हिंदी में अर्थ होता है। इट डील्स विद द लाइफ ऑफ रो और एडवेंचर ऑफ रोज, यानी इस प्रकार के जो उपन्यास होते हैं उसमें किसी आवारा दुष्ट प्रकार के व्यक्ति की कथा होती है जो कहानी का नायक भी होता है। यहाँ पर मैंने आपको कुछ पिकारेस्क नॉवल के उदाहरण दिए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इन्हें जरूर याद रखना है। यहाँ पर पहला है कुली जो कि मुल्कराज आनंद द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है गाइड जो कि आर के नारायण द्वारा लिखा गया है। टॉम जॉन्स जो कि हेनरी फील्डिंग द्वारा लिखा गया है। और जोजफ एंड्रयूज जो कि हेनरी फील्डिंग द्वारा ही लिखा गया है। और जो मोस्ट वेल नोन पिकारेक्स नॉवल हैं, मैंने यहाँ पर कुछ मोस्ट वेल नोन पिकारेक्स नॉवल दिए हैं, आपको ये जरूर याद रखने हैं, इनमें से आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। यहाँ पर पहला है डॉन क्विक्सोट जो कि सर्वेंटिस द्वारा लिखा गया है, जो कि स्पेनिश में लिखा गया है। नेक्स्ट है रॉबिन्सन क्रूसो एंड मॉल फ्लैंडर्स जो कि डेनियल डिफो द्वारा लिखा गया है, और यह उपन्यास इंग्लिश में लिखा गया है। नेक्स्ट है टॉम जॉन्स जो कि हेनरी फील्डिंग द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है
हकलबेरी फिन जो कि मार्क ट्वेन्स द्वारा लिखा गया है। तो आपको ये सभी जरूर याद रखने हैं, इनमें से भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा। तो आइए हम एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा के बारे में जान लेते हैं। इसे हिंदी में अभिव्यक्ति या अभिव्यंजनावाद नाटक कहा जाता है। इट इज़ ए मॉडर्निस्ट मूवमेंट इन ड्रामा एंड थिएटर दैट डेवलप्ड इन यूरोप स्पेशली जर्मनी इन द अर्ली डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी एंड लेटर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यानी 20वीं शताब्दी में एक मॉडर्निस्ट मूवमेंट शुरू हुआ था जो कि यूरोप मुख्यतः जर्मनी में शुरू हुआ था, जिसमें एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा लिखे गए। बाद में ये संयुक्त राष्ट्र में भी लिखे गए थे। इट वॉज एन आर्टिस्टिक मूवमेंट, यह एक आर्टिस्टिक मूवमेंट आंदोलन था। इट्स मोस्ट परसिस्टेंट इन्फ्लुएंस हैज़ बीन इन थिएटर, इसका सर्वाधिक जो स्फूर्त प्रभाव है वह रंगमंच पर पड़ा था, और स्वीडिश नाटककार स्टिंगबर्ग ने इसे सर्वाधिक प्रभावित किया। तो आपको यह जरूर याद रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। स्वीडिश नाटककार थे एक स्टिंगबर्ग जिसने इसे सर्वाधिक प्रभावित किया था। तो मैंने आपको पहली यूनिट से सभी इम्पोर्टेंट जो थ्योरी थी वह आपको समझा दी है। तो आइए हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेते हैं। मैं आपको केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊंगा इसमें जो कि आपके मॉडल से लिए गए हैं। तो आइए हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो आर द कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले, यानी जो एक नाटक के पात्र होते हैं वे कौन होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, पर्संस प्रेजेंटेड इन द प्ले, यानी नाटक को जो भी प्रस्तुत करते हैं, जो व्यक्ति नाटक को प्रस्तुत करते हैं वही उसके कैरेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस इन विच देयर इज ए शॉर्ट मोरल स्टोरी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए एलेजरी इसका राइट आंसर है। जो एलेजरी होती है वह एक शॉर्ट मोरल स्टोरी होती है किसी भी पोएटिक डिवाइस की। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सम ऑथर्स हाउ मैनी मैन एलिमेंट आर देयर इन नॉवल, यानी एक उपन्यास के जो मुख्य तत्व होते हैं वह कितने होते हैं। अकॉर्डिंग टू सम ऑथर, कुछ लेखकों के अनुसार किसी नॉवल के कितने तत्व होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्लॉट्स आर डिजाइंड टू अचीव, यानी प्लॉट्स जो होते हैं वे किसे हासिल करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी ट्रेजिक कॉमेडी एंड सटायर इफेक्ट इसका राइट आंसर है, यानी ये दुखद कॉमेडी और हास्य व्यंग्य प्रभाव को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है, विच इज इंक्लूडेड एज द एलिमेंट ऑफ नॉवल, यानी उपन्यास के जो तत्व होते हैं उनमें कौन कौन सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था, कैरेक्टर्स होते हैं और प्लॉट भी होता है, और सी यहाँ पर थीम यह भी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ नॉवल सेट इन अर्लियर पीरियड और बेस्ड ऑन पास्ट इवेंट्स, यानी इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ पर किस प्रकार का उपन्यास होता है जो कि भूतकाल की घटनाओं पर आधारित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हिस्टोरिकल नॉवल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन इज ट्रीटेड एज ए नेसेसरी एलिमेंट इन ए फिक्शनल वर्क, तो यहाँ पर ऑप्शन सी कॉन्फ्लिक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रू अबाउट थीम, यानी थीम के बारे में इनमें से क्या सत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी थीम इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ द स्टोरी, मैंने आपको पहले ही थ्योरी में पढ़ा था, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेफिनेशन ऑफ प्लॉट इज, प्लॉट की जो परिभाषा होती है वह क्या होती है। तो इसकी परिभाषा होती है ऑप्शन बी अरेंजमेंट ऑफ द इंसिडेंट, यानी घटनाओं की व्यवस्था इसकी परिभाषा होती है। नेक्स्ट है, वो रोट स्ट्राइफ, यानी स्ट्राइफ किसके द्वारा लिखा गया है, द फेमस ड्रामा ऑफ आइडियाज़, यह एक फेमस ड्रामा ऑफ आइडियाज़ है। तो यह गर्ल्स बोर्थी द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, वुमेन ड्रामा ऑफ आइडियाज सीम कंपेलिंग एंड इंस्पायरिंग, यानी किसने ड्रामा को बनाया जो कि सम्मोहक और इंस्पायरिंग प्रतीत होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए कल्सवर्दी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ आयरिश मूवमेंट इन डेवलपिंग
द ड्रामा ऑफ आइडियाज़। इसका अर्थ है यहाँ पर हु इज़ द प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ आयरिश मूवमेंट, यानी आयरिश एक आंदोलन था, इसके जो प्रमुख मेंबर थे वे कौन थे जिन्होंने ड्रामा ऑफ आइडियाज़ को विकसित करने में आयरिश मूवमेंट के एक प्रमुख सदस्य के रूप में कौन थे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जे एम सिंज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है जी बी शो आर्म्स एंड द मैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यह एग्जाम्पल जो है वह ड्रामा ऑफ आइडियाज़ का है, मैंने आपको पहले ही थ्योरी में बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ पिकारेक्स नोवल, यानी इनमें से पिकारेक्स नोवल का कौन उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी वार एंड पीस इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइडर्स टू द सी इज ए ड्रामा ऑफ आइडियाज़, यानी राइडर्स टू ए सी एक ड्रामा ऑफ आइडियाज़ है विद डिस्टिंक्ट रीजनल इंटरेस्ट। राइडर्स टू द सी एक अलग क्षेत्रीय इंटरेस्ट ड्रामा ऑफ आइडियाज़ है और यह किसके द्वारा लिखा गया है। इट इज़ राइटिंग बाय, तो यह जेम्स सिंज द्वारा ही लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट ड्रामा ऑफ आइडियाज़, इनमें से कौन एक ड्रामा ऑफ आइडियाज़ नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए द टेम्पेस्ट बाय विलियम शेक्सपियर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच प्लेस वाज यूज्ड बाय थॉमस हार्डी एज द बैकग्राउंड फॉर हिज नोवल, यानी थॉमस हार्डी ने अपने उपन्यास की पृष्ठभूमि के रूप में किस स्थान को यूज किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी वेसेक्स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु वाज द रीजनल राइटर, कौन एक क्षेत्रीय लेखक थे टू एस्टेब्लिश हिमसेल्फ, जिन्होंने खुद को स्थापित किया एज ए लीडिंग राइटर ऑफ आयरिश लिटरेरी थिएटर, आयरिश साहित्यिक रंगमंच के लेखक के रूप में जिन्होंने खुद को स्थापित किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जे एम सिंज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जेम्स सिंज वर्क वी फाइंड द सेलेक्टेड लोकेल, यानी जो जेम्स सिंज की रचनाएं हैं उनमें हम कुछ चयनित स्थान को पाते हैं विच इज कॉल्ड एज, जो कि कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एरन आइलैंड्स। नेक्स्ट है द आइडिया फॉर राइटिंग राइडर्स टू द सी कैम टू जे एम सिंज फ्रॉम, यानी जे एम सिंज को राइडर्स टू द सी लिखने का जो आइडिया है वह कहाँ से आया था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी ए ड्रॉनिंग इंसिडेंट, एक डूबने की घटना से उन्हें यह आइडिया आया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू रीजनल नोवल, यानी इनमें से कौन एक क्षेत्रीय उपन्यास के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु इज़ द रीजनल नॉवलिस्ट इन इंडो एंजिलियन फिक्शन, यानी इनमें से कौन एक क्षेत्रीय उपन्यासकार है या आंचलिक उपन्यासकार है जो कि इंडो एंजिलियन फिक्शन से है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आर के नारायण राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु इज़ द रीजनल नॉवलिस्ट पर एक्सीलेंस इन इंडो एंजिलियन फिक्शन, यानी इनमें से कौन एक नॉवलिस्ट है जिन्होंने इंडो एंजिलियन फिक्शन के लिए उत्कृष्ट कार्य किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आर के नारायण राइट आंसर है। नेक्स्ट है नारायण्स रीजनल फिक्शन इज रिमार्केबल फॉर फिक्टियस टाउन ऑफ, तो यहाँ पर ऑप्शन ए मालगुडी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर के नारायण जो थे वे एक क्षेत्रीय उपन्यासकार थे जिन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया था और यह किस शहर से थे, तो यह मालगुडी से थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट है द नेरेटिव टेक्निक इज द वे, यानी नेरेटिव टेक्निक यानी कथा तकनीक जो है वह तरीका है। तो यह ए स्टोरी इज टोल्ड, यह कहानी को कहने का एक तरीका होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेरेटिव टेक्निक्स, यानी इनमें से कौन एक नेरेटिव टेक्निक्स है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए थर्ड पर्सन नेरेटिव इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स द फर्स्ट पर्सन नरेशन टेक्निक इज यूज्ड, इन रचनाओं में से ऐसी कौन सी रचनाएं हैं जिनमें फर्स्ट पर्सन नैरेटिव टेक्निक का यूज किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी रॉबिन्सन क्रूसो इसका राइट आंसर है, जो कि डेनियल डिफो द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है विच डिवाइस डेट्स बैक टू एंशियंट ग्रीक थिएटर, यानी इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि प्राचीन ग्रीक रंगमंच में मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ड्यूक्स एक्स मशीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द फर्स्ट नेरेटिव टेक्निक इज एडॉप्टेड इन डेविड कॉपरफील्ड विच इज रिटन बाय,
यानी जो फर्स्ट नैरेटिव टेक्निक है जिसे अपनाया गया था डेविड कॉपरफील्ड में, वह किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी चार्ल्स डिकेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आई एम जॉन्स हर्ट बाय जे डी रेडक्लिफ इज ए वर्क इन, यानी जो आई एम जॉन्स हर्ट रचना है रेडक्लिफ द्वारा लिखी गई, यह किस में है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए फर्स्ट पर्सन नैरेटिव इसका राइट आंसर हो जाएगा। द टर्म पिकारेस्क इज डेराइव्ड फ्रॉम पिकारो विच इज ए, तो यह एक स्पेनिश वर्ड है, पिकारो एक स्पेनिश वर्ड है जिससे पिकारेस्क शब्द लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिकारेस्क नॉवल डील्स विद द लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ए पिकारेस्क नॉवल ए हीरो इज ऑल्सो सेंट, पिकारेस्क नॉवल के अंतर्गत एक जो नायक होता है उसे भेजा जाता है, तो यहाँ पर टू द सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन पिकारेस्क नॉवल द नॉवलिस्ट रिक्वायर्स, एक उपन्यासकार को किस चीज़ की ज़रूरत होती है पिकारेस्क नॉवल में, तो यहाँ पर ऑप्शन बी नॉवेल राउंडेड प्लॉट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, डॉन क्विक्सॉट इज ए वेल नोन पिकारेस्क नॉवल रिटन बाय, यानी डॉन क्विक्सॉट एक वेल नोन पिकारेस्क नॉवल है जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये सर्वेंटीज के द्वारा लिखा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, विच इज़ द वेल नोन जेनर इन पिकारेस्क नॉवल ऑफ डेनियल डीफो, तो यहाँ पर ऑप्शन सी रॉबिन्सन क्रूसो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पिकारेस्क नॉवल हु हैज़ पोर्ट्रेड लूज वुमेन इन ए रियलिस्टिक वे, इन पिकारेस्क नॉवल यानी एक पिकारेस्क नॉवल में हु हैज़ पोर्ट्रेड किसने चित्रित किया है लूज वुमेन चरित्रहीन स्त्रियां इन ए रियलिस्टिक वे एक वास्तविक रूप में, तो यहाँ पर ऑप्शन डी डेनियल डीफो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द नरेटर मे बी डिफाइंड एज, यानी नरेटर को परिभाषित किया जा सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी ए स्पीकर और कैरेक्टर हु टेल्स द स्टोरी, एक वक्ता या एक पात्र जो कि किसी कथा को या किसी कहानी को कहता है उसे नरेटर कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच बुक हैज़ हेल्ड इट्स पॉपुलैरिटी अनडिमिनिश्ड फॉर नियरली टू सेंचुरीज, यानी ऐसी कौन सी बुक थी जिसने अपनी लोकप्रियता को कायम रखी और उसे कभी कम नहीं होने दिया फॉर नियरली टू सेंचुरीज, लगभग दो शताब्दी तक, तो यहाँ पर ऑप्शन बी रॉबिन्सन क्रूसो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा इज कॉल्ड, एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा को कहा जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी द ड्रामा ऑफ सोल इसका राइट आंसर है, एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा को द ड्रामा ऑफ सोल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सर्वेंटीज ग्रेट वर्क डॉन क्विक्सॉट इज द मॉडल ऑफ, यह मॉडल पिकारेस्क फिक्शन का है। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द रोंग पेयर, तो यहाँ पर रोंग पेयर जो है वह कोरस यहाँ पर दिया गया है, कोरस की जो परिभाषा यहाँ पर दी गई है द प्लेस वेयर ड्रामेटिक फिक्शन इज सिचुएटेड, तो यह इसकी परिभाषा गलत दी गई है, इसकी जो परिभाषा होती है वह होती है ए पार्ट ऑफ ए सॉन्ग रिपीटेड एट द एंड ऑफ ईच वर्स, यानी यह एक गीत का पार्ट होता है जो कि प्रत्येक वर्स के बाद रिपीट किया जाता है, तो यह इसमें गलत था, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेशनिस्ट वाज स्ट्रॉन्गेस्ट इन द थिएटर इन द, यहाँ पर लिखा गया है एक्सप्रेशनिस्ट रंगमंच में कब मजबूत हुआ था, तो यहाँ पर ऑप्शन बी 1920 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्जीनिया वुल्फ्स नॉवल एंड द वर्क्स ऑफ विलियम फॉल्कनर वर इन्फ्लुएंस्ड, यहाँ पर लिखा गया है वर्जीनिया वुल्फ का उपन्यास और विलियम फॉल्कनर की रचनाएँ कब प्रभावित हुई थी, यहाँ पर ऑप्शन ए बाय एक्सप्रेशनिज्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द प्ले ड्यूमर बाय सी के मुनरो डील्स विद, तो यहाँ पर ऑप्शन सी द ओरिजिन ऑफ वार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डेथ ऑफ ए सेल्समैन इज एन एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा रिटन बाय, डेथ ऑफ सेल्समैन एक एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा है जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह आर्थर मिलर द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, मर्डरर द होप ऑफ वुमेन इज द फर्स्ट एक्सप्रेशनिस्ट
रिटन बाय यानी मर्डरर द होप ऑफ वुमेन एक फर्स्ट एक्सप्रेनिस्ट था जो लिखा गया था। तो यह ऑस्कर कोकोश का द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन वाज नॉट द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ ड्रामा ऑफ आइडियाज़, यानी इनमें से कौन एक मुख्य प्रतिपादक नहीं था ड्रामा ऑफ आइडियाज़ का। तो मैंने आपको इनमें तीन नाम बताए थे, तो आपको वे नाम जरूर याद रखने हैं, वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसका राइट आंसर है। बाकी ये सभी तीन नाम जो हैं ये मुख्य प्रतिपादक थे ड्रामा ऑफ आइडियाज़ के। नेक्स्ट है, द पिकारेस्क नॉवल ओरिजिनेटेड इन, यानी जो पिकारेस्क नॉवल है उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी। तो इसकी उत्पत्ति स्पेन में हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी स्पेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपकी इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ड्रामा एंड फिक्शन की यूनिट 5 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए हैं। तो आशा करता हूँ आपको यह यूनिट पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।